और वहीं दिल्ली के इसापुर वार्ड नंबर 126 से निर्दलीय प्रत्याशी सीमा गोपाल डागर चुनाव प्रचार लगातार कर रही हैं। आज सीमा गोपाल डागर ने अपने समर्थकों के साथ नंदा इंक्लेव और रेलवे फैक्ट्री कॉलोनी नजफगढ़ में डोर टू डोर कैंपेन किया, साथ ही लोगों को विश्वास दिलाया कि वो जीतने के बाद अपने वार्ड में विकास कार्य करवाएंगे। सीमा गोपाल डागर ने कहा कि वो उनको जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, उनको पूरा विश्वास है कि इस एमसीडी चुनाव में वो अपने वार्ड से भारी मतों से विजयी होंगी। वार्ड की जनता के साथ उन्हें वहां के सभी गांव की पंचायतों का भी समर्थन प्राप्त है, इसलिए उनको पंचायती उम्मीदवार भी कहा जाता है। सीमा गोपाल डागर का कहना है कि जिस तरह से शहरों में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है, उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत को सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है। वार्ड नंबर 126 से निर्दलीय प्रत्याशी हैं सीमा गोपाल डागर, जिन्हें भारी जन समर्थन मिल रहा है। लोगों की भीड़ उनके साथ लगातार चल रही है, कदम ताल कर रही है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं सीमा गोपाल डागर। उनका कहना है कि जनता का विश्वास है उन पर,